को कथा। कई बार तो सिरे से ही ये विषय खारिज कर दिया जाता है कि गौ कथा कहाँ होती है, कैसे होती है और क्या होती है। कथा की परंपराओं में तो भागवत कथा है, राम कथा है, अन्य पुराणों की चर्चा है। ये सीधी गौ कथा कैसे हो सकती है, ये कहाँ से ले आए, कहाँ से उत्पन्न हुई? सत्य पूछो मेरे भाई बहन, तो सबसे प्राचीन कथाओं में ही गौ कथा ही सबसे प्राचीन है। समय के प्रभाव से, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से, वेस्टर्न कल्चर की परंपराओं के कारण कहीं न कहीं ये दिव्य कथा छुपा दी गई, भुला दी गई। वरना इस कथा का उल्लेख तो अनादि काल से हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित आया है। मेरे भाई बहनों, वराह पुराण में 146वें अध्याय के 3रे श्लोक में तो स्वयं माता पृथ्वी गौ निष्क्रमण महातीर्थ की महिमा का श्रवण करने के बाद स्वयं भगवान से कहती कि हे प्रभु, मुझे गौ कथा श्रवण करने से, गौ माता का पवित्र महात्म्य श्रवण करने से अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही है। मेरे मन में जितना क्लेश था, मेरे मन में जितना क्षोभ था, मेरे मन में जितना दुख था, हिरणाक्ष ने मुझे खींच करके बलात सागर में जो छुपा रखा था, मैं उसके प्रभाव से जो दुखी थी, लेकिन गौ माता का यह पवित्र महत्व सुन करके, गौ माता की ये दिव्य कथा सुन के मेरे मन से वो सारे दुख समाप्त हो गए हैं, मुझे तो अपार शांति की अनुभूति हो रही है। वराह पुराण में खुद पृथ्वी माता भगवान को अपने मुख से कह रही कि गौ कथा श्रवण से शांति मिल रही है। तो गौ कथा तो है ही मेरे भाई बहनों, तभी तो भगवान वराह ने देवी पृथ्वी को, वसुंधरा को ये पवित्र कथा सुनाई और श्रवण करके मेरे भाई बहनों आनंद की अनुभूति हुई। वो कथा कुछ इस प्रकार से थी, जिसको संक्षिप्त आपके सामने मैं रख ही देता हूं कि एक बार भगवान महादेव के तेज से और ऋषि का सुंदर उपवन जल गया। और वो ऋषि वृक्ष प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, और सबको होना ही चाहिए। हम स्वयं इस परमात्मा के द्वारा रचित प्रकृति का एक हिस्सा है, तो अपने ही हिस्से से, अपने ही भाग से, अपने ही पार्ट से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो फिर अन्य से कैसे प्रेम होगा। और वो ऋषि तो महाप्रकृति प्रेमी थे, वृक्ष का कोई एक पत्ता भी अकाल टूट जाता तो उनको बड़ा क्षोभ होता था। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा उनका उपवन, पूरा बगीचा, वहां के सारे वृक्ष भगवान महादेव के दिव्य तेज से भस्म हो गए, जल गए। और ऋषि कहीं पधारे हुए थे, कहीं गए हुए थे, लौट के आए, अपनी आंखों से जब उस दृश्य को देखा, बहुत दुखी हो गए। और दुखी दुख, वो अपार दुख अचानक क्रोध में बदल गया, क्रोध में परिवर्तित हो गया। और क्रोध तो बहुत खतरनाक होता है, क्रोध में तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध से बड़ा दुश्मन इस संसार में इंसान का कोई भी नहीं है। क्रोध जितनी हानि हमारी स्वयं की कर सकता है, उससे अधिक हानि किसी की कर ही नहीं सकता। पर क्षोभ में क्रोध आ गया, और क्रोध ही क्रोध में ये ही नहीं जाना कि ये वृक्ष किस कारण से जले हैं, किसके द्वारा जले हैं, ज्ञात स्थिति में जले हैं कि अज्ञानता से जल गए हैं। और उन्होंने तुरंत साफ दे दिया कि जिसने मेरे इस उपवन को दग्ध किया है, जलाया है, जाओ उसके शरीर में बिना रुकावट के निरंतर जलन शुरू हो जाए। ऋषि का श्राप तो श्राप है भाई, चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकते। और वह ऋषि ने श्राप दिया, शरीर में आग सी लगने लगी भगवान महादेव के। सारे उपाय कर लिए लेकिन आग शीतल होती नहीं, दग्ध हो रहे भगवान महादेव, परेशान हो गए, व्यथित हो गए, दुखी हो गए। पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ, तो ज्ञात हुआ कि और ऋषि के साप के प्रभाव से ऐसा हुआ है।
सब गए और ऋषि से प्रार्थना की, प्रभु ये तो भगवान महादेव का तेज अनायास यहाँ गिर गया और इसलिए ये वृक्ष दग्ध हो गए, किसी ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, आप अपने साप को लौटा लीजिए। और ऋषि ने कहा, मुंह से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण लौट नहीं सकता, इसी भांति ये साप भी अब निष्फल ऐसे तो हो नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है। अगर इस साप का प्रभाव समाप्त करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, गाय माताओं से प्रार्थना की जाए और गौ माता अगर अपना पवित्र अमृत युक्त दुग्ध दे दे और उसी दुग्ध से भगवान महादेव का अभिषेक कर दिया जाए तो भगवान महादेव के शरीर में मेरे सांप के प्रभाव से जो विष अपना प्रभाव दिखा रहा है वो शांत हो जाएगा। वहां गौ माताएं थी नहीं जिस स्थान पर यह घटना घटी है, तब सभी देवताओं ने मिलकर के देवराज इंद्र सहित ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए और गौलोकवासी भगवान गोविंद से प्रार्थना की, हे प्रभु, भगवान महादेव का शरीर दग्ध हो रहा है और भगवान महादेव का शरीर दग्ध होने से सारी सृष्टि परेशान है, आप कृपा करें। कथा बहुत विस्तृत है लेकिन मूल भावना ही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके और गौलोक से गौ माताएं उस स्थान पर उतरी, दुग्ध प्रदान किया, उसी दुग्ध से भगवान महादेव का अभिषेक हुआ और उस अभिषेक से भगवान शिव का जो तन दग्ध हो रहा था वो शांत हुआ, जलन समाप्त हुई। उस स्थान का नाम ही मेरे भाई बहनों फिर कालांतर में वहां गौ माताएं उतरी गौलोक से, इसलिए गौ निष्क्रमण तीर्थ उस स्थान का नाम कर दिया गया। यह कथा भगवान वाराह ने देवी पृथ्वी को जगदम्बा वसुंधरा को सुनाई, तब वसुंधरा ने श्रवण करके कहा, ओहो क्या महत्व है गौ माता की कथा का, कि भगवान शिव का तो अभिषेक हुआ तब उनको शांति की अनुभूति हुई होगी, लेकिन मैंने तो गौ माता की इस पवित्र महात्म को उनके पृथ्वी पर अवतरण होने की उतरने की कथा को सुना, उसी मात्र से मुझे तो अपार शांति की अनुभूति हो रही है और मेरे पूर्व के दुखों का भी बिल्कुल नाश सा होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। तो उस कालखंड में ही मेरे भाई बहनों दुख के निवारण के लिए, क्षोभ के निवारण के लिए गौ माताओं की कथा का विधान रहा है। अग्नि पुराण के 293 अध्याय के और 292 अध्याय में भी 5वें श्लोक में मेरे भाई बहनों बड़ी एक सुंदर बात लिखी है कि गौ कथा करने से, सुन ये तीन बिंदु कहे हैं अग्नि पुराण के 292 अध्याय के 5वें श्लोक में। 5वें श्लोक में कहा है कि गौ माता की कथा कहने से, गौ माता की कथा करवाने से और गौ माता की कहा कथा सुनने से, इन तीनों से ही पूरे कुल का उद्धार हो जाता है और एक नहीं 14 पीढ़ियों का, आने वाली 14 पीढ़ियों के लिए सत्व गुण का प्रभाव इस कथा के माध्यम से बन जाता है, कथन से, करवाने से और सुनने से, तीनों से ही कुल उद्धार की बात अग्नि पुराण के इस दिव्य प्रसंग में कही है मेरे भाई बहनों। और गवोपनिषद यानी कि महाभारत का अनुशासन पर्व जिसमें गाय माता की बड़ी सुंदर महिमा बारंबार कही है, उसमें तो मेरे भाई बहनों स्पष्ट कहा है कि विषम से विषम परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में, महाभय जैसी स्थिति उपस्थित हो किसी भी कारण से, चाहे वो महामारी के कारण हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के कारण हो, आंधी तूफान अतिवृष्टि अनावृष्टि उल्कापात के कारण हो, चाहे किसी भूत प्रेत यक्ष आदि का भय उत्पन्न हो गया हो, चाहे बेरी का दुश्मन का शत्रु का भय उत्पन्न हो गया हो,
ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति गाय माता के नाम का संकीर्तन करे या गाय माता की महात्म्य के किसी हिस्से का पठन प्रारंभ कर दे, यानी कि गौ कथा के किसी भी खंड का कथन प्रारंभ कर दे, तो वो उस महान भय से मुक्त हो जाता है। कीर्तन मात्र से, विचार करिए, गौ माता के कीर्तन मात्र से महान भय से व्यक्ति बच जाता है। ये बात महाभारत के अनुशासन पर्व के 18वें अध्याय में वर्णित है मेरे भाई।